नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय तिवारी आपके सामने 11वीं कक्षा के तृतीय अध्याय को लेकर आया हूँ, जिसमें पढ़ना है मानव व्यवहार के क्या आधार है, मानव व्यवहार कैसे घटित होता है, जिसमें हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों को पढ़ना है। पहला, मानव व्यवहार का जैविक आधार क्या है और मानव व्यवहार के सांस्कृतिक आधार क्या है। पहले हम देखेंगे कि मानव व्यवहार का जैविक आधार क्या है, वो कैसे घटित होता है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से पांच प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। पहली है आँख, जिससे हम दृष्टि का संवेदना करते हैं, जिससे हम रंगों की संवेदना करते हैं। दूसरा है कान, जिससे हमें आवाज की संवेदना होती है। तीसरा है नाक, जिससे हमें सुगंध की संवेदना होती है, गंध की संवेदना होती है। तीसरा है जीवा, जिससे हमें स्वाद की संवेदना होती है। और पांचवा है त्वचा, जिससे हमें गर्म ठंडे की संवेदना होती है। अब क्या होता है, जैसे ही हमें इन सब चीज़ों का वातावरण में पता चलता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई तीखा चीज़ आपको स्वाद लगता है तो आप तुरंत पानी पीते हैं, पानी पीने का व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो आपकी आंखें क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, यानी कि आंखों की मांसपेशियाँ अपना कार्य शुरू करती हैं और आँखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तरह तरह के जो आपके संवेदी जो ज्ञानवाही अंग हैं, जिसके द्वारा आप वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उन सूचनाओं के मिलने के बाद उसके अनुरूप आप व्यवहार करता है, मानो उसके अनुरूप व्यवहार करता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा, बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसे हमें आज समझना है। बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहें कि यह सब प्रक्रियाओं का मूल होता है हमारा मस्तिष्क, क्योंकि जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान कहाँ जाता है, हमारे मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क से फिर वो मस्तिष्क विश्लेषण करता है और वह निर्देश देता है मांसपेशियों को कि उसे कौन सा व्यवहार करना है, और उस तरह से व्यवहार होता है। फिर लेकिन इससे यदि आगे बढ़े तो क्या होता है कि अब ये सूचनाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती हैं, और जो मस्तिष्क हमारे मांसपेशियों को निर्देश देता है कि कौन सा व्यवहार करना है, वह किस माध्यम से होता है, कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए आपको बताना चाहें, आपने पहले पढ़ा भी होगा, हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएँ हैं, न्यूरोन्स हैं, और यही न्यूरोन्स जो है माध्यम होते हैं ये सूचनाओं को, ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाने में, और मस्तिष्क से जो निर्देश प्राप्त होते हैं वो निर्देश सूचनाओं को मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं, ताकि मानव उपयुक्त व्यवहार करता है। अब ये सूचनाएं कैसे जब होती हैं, सूचनाएं कैसे होती हैं, ये सूचनाएं एक विद्युतीय आवेग के रूप में होती हैं। जैसे ही आपके त्वचा पर कोई पिन चुभती है या कोई गर्म चीज स्पर्श होता है, तो वहाँ पर यह सूचना एक विद्युतीय आवेग के रूप में उत्पन्न होती है। जो आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं वह विद्युत आवेग के रूप में उन सूचनाओं को परिवर्तित करके, और वो कहाँ जाती हैं विद्युत आवेग, किसके माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। वह हमारे शरीर में लगभग 12 अरब की संख्या के रूप में उपस्थित है, जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती है, ठीक है। यह बहुत ही छोटी इकाई है। योग उनकी बनावट कैसी होती है, उसमें तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक तो शाखिकाएं होती हैं,
पेड़ों की टहनियों के रूप में आप देख सकते हैं उसको, और उसके अंदर सोमा होता है जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं, सोमा के अंदर सेल बॉडी होता है या अनुवंशिक जो आपके गुण होते हैं वह वाहक होते हैं, तो वह कोष शरीर होता है। और तीसरा जो उसकी भाग होती हैं वह एक्सॉन जिसको बोलते हैं, एक्सॉन उसका नाम है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ही ज्ञानेन्द्रिय सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में उत्पन्न करती हैं तो ये जो न्यूरॉन है वह क्या करते हैं, अपनी शाखिकाओं से उस सूचना को ग्रहण करते हैं और सीधा अपने कोष शरीर को भेजते हैं, और वहाँ से वह सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में कोष शरीर होते हुए एक्सॉन के माध्यम से फिर एक्सॉन के दूसरे छोर पर जो है टर्मिनल्स बटन जिसको बोलते हैं वहाँ पर जाती हैं, और वहाँ पर फिर एक दूसरा न्यूरॉन्स होता है। इस तरह से चेन पूरी बनी रहती है, जो कि वह दूसरा न्यूरॉन्स फिर उस सूचनाओं को लेता है, फिर दूसरा अपने कोष शरीर के माध्यम से एक्सॉन पर होते हुए टर्मिनल बटन पर जाकर वहाँ से फिर वह फिर तीसरे न्यूरॉन्स को वो ट्रांसफर करती है। तो इस तरह से एक चेन बनी हुई जाती है और ये पूरे जाकर आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती हैं, ब्रेन के कुछ खास एरिया तक सूचनाएं पहुंचती हैं। जैसे दृष्टि के लिए अलग क्षेत्र है ब्रेन में, मस्तिष्क में दृष्टि के लिए अलग क्षेत्र है, श्रवण के लिए अलग क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में वहाँ पहुँचती है सूचनाएं। फिर वहाँ पर यह विश्लेषण होता है कि मस्तिष्क क्या करता है, विश्लेषण करता है कि कौन से सूचना के प्रति किस तरह का व्यवहार करना है। जैसे मान लीजिए त्वचा में पिन कोई चुभा है तो वह मस्तिष्क तय करता है कि वह हाथ वहाँ से जल्दी से हटाना है, तो वह फिर उस तरह का सूचना और निर्देश मांसपेशियों तक भेजता है। वह सूचना निर्देश भी विद्युत आवेग के रूप में किसके माध्यम जाता है, न्यूरॉन के माध्यम से। फिर वह न्यूरॉन क्या होता है, वहाँ पर दूसरे तरह के न्यूरॉन्स हैं, वह न्यूरॉन्स बनावट में जो कि सेम है वह उनके शाखिकाओं की तरफ जाता है, शाखिकाएँ फिर कोष शरीर के माध्यम से एक्सॉन एक्सॉन पर भेजती हैं, एक्सॉन अपने टर्मिनल बिंदु के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन्स के पास भेजती हैं, और इस तरह से वो सूचनाएँ जो हैं विद्युत आवेग के रूप में आपके मांसपेशियों तक पहुंचती हैं, संबंधित मांसपेशियों, पूरे मांसपेशियों में नहीं, संबंधित मांसपेशियों। जैसे हाथ हटाना है, हाथ में अगर पिन चुभा है हाथ के त्वचा में तो हाथ हटाने का जो क्रिया करना है तो वह हाथ की मांसपेशियों में वह सूचनाएं जाती हैं और व्यक्ति उपयुक्त व्यवहार करता है, हाथ हटाने का व्यवहार करता है। अब यह दो तरह की न्यूरॉन्स होते हैं, दो तरह के न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक तो ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं मस्तिष्क तरफ भेजते हैं जिसे हम संवेदी न्यूरॉन्स कहते हैं, और दूसरा मस्तिष्क से जो निर्देश हैं वह मांसपेशियों तक भेजते हैं उसे हम गतिवाही पेशीय न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसके द्वारा मस्तिष्क से जो निर्देश होते हैं वह मांसपेशियों तक पहुँचाई जाती है। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि जो न्यूरॉन्स चेन के रूप में ज्ञानेंद्रियों से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क से होकर मांसपेशियों तक पहुंचती हैं, ये दोनों आपस में बिल्कुल चिपकी हुई नहीं रहती हैं, सटी हुई नहीं रहती, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है जिसे हम संधि स्थल कहते हैं, साइनेप्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइनेप्स कहते हैं। यह क्या होता है कि यह इसमें एक थोड़ा सा स्पेस रहता है, बिल्कुल चिपकी हुई नहीं रहती हैं, और यह क्या होता है, यह जैसे ही शाखिकाओं से सूचनाएं कोष शरीर के माध्यम से एक्सॉन पर जाती हैं, एक्सॉन से टर्मिनल बटन पर आती हैं, तो वहाँ पर सूचनाएं पूरे जोर के साथ में पूरी तरह से दूसरे न्यूरॉन को पार करती हैं, बिना चिपके हुए उसको संधि स्थल पर पार करती हैं। तो इसको ध्यान रखना है, पूरी तरह से चिपकी हुई नहीं रहती हैं लेकिन सूचनाएं पूरी जोर से उस दूसरे न्यूरॉन तक पार कर जाती हैं, साइनेप्स पार कराता है, एक पुल की तरह होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि मानव व्यवहार का जैविक आधार मूल रूप से न्यूरॉन्स पर निर्भर करता है, जिससे सूचनाएं जैसे ही ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में सूचनाएं आती हैं, उद्दीपक आता है,
उनसे संबंधित सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होते हुए मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क फिर उपयुक्त निर्णय लेता है और फिर विद्युत आवेग वहाँ से निर्देश के रूप में न्यूरॉन्स के माध्यम से ही मेरुरज्जु होकर हमारे मांसपेशियों में आता है और मानव उपयुक्त व्यवहार करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ, आपको मानव व्यवहार का यह सामान्य रूप से जो आधार है, जैविक आधार है, वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।